हम डॉक्टर कत्याल के पास पहुंच चुके हैं और अब जा रहे हैं अंदर। क्या आप प्रेग्नेंट हो? जींस नहीं, मेरा सलवार है। ये ब्लैक उसके साथ जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर डे। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, जैसे आप देख सकते हो मैं रेडी हो गई हूँ बहुत अच्छे से। मैंने मतलब कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं क्योंकि अभी हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली हम जा रहे हैं मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को कमर में बहुत दर्द है काफ़ी दिनों से, तो उन्हीं को हम डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। तो इसीलिए हम जाएंगे तिलक नगर डॉक्टर कत्याल के पास, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम मेट्रो से जा रहे हैं, उसके लिए पहले मैंने ऑटो बुक किया है। ऑटो हमें मेट्रो स्टेशन छोड़ देगा, उसके बाद आगे दिखाती हूँ। और आज आप एकदम कॉलेज गर्ल लग रही हो। फंकी फंकी से कपड़े, हाँ, कि मतलब कंफर्टेबल रहेगा पूरा दिन, गर्मी वैसे। हाँ। मैं भी जा रही हूँ। और दीप ने भी पिंक कलर का टॉप पहना है आज। हम टॉप जो लास्ट टाइम विशाल से, लिया था। हाँ, ये वही सुंदर लग रहा है और बहुत कंफर्टेबल भी है, गैस है ना, कॉटन है। तो कॉटन है। और आज हम ट्विनिंग कर रहे हैं पिंक पिंक की। हाँ, हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं। पिंक पिंक। इधर हमारी मम्मी भी रेडी हो चुकी है, मम्मी फुल रेडी होके जा रही है डॉक्टर के पास। उसके बाद हम उत्तम नगर भी जाएंगे शॉपिंग करने, है ना, देखेंगे अगर कुछ लेना रहेगा तो, सामान लेने हैं, बाकी दिखाएंगे साथ के साथ। हम ऑटो में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, और यहाँ पे हमारी सवारी भी रेडी है। हम पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, वो हम फिर कभी चलेंगे, अभी हम लेट हो रहे हैं तो अभी हम फटाफट भागेंगे। H&M में जा रहे हैं। हमारी उत्तर सिटी सेंटर मेट्रो में सब कुछ है। सब कुछ है, हाँ, वाओ मोमो, पूमा, सबवे, एडिडास, मैकडोनल्ड, सब है। हम है गर्मी में तिलबिलाते हुए। अब हम जा रहे हैं मेट्रो के लिए और उसके बाद फिर तिलक नगर पहुँचते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, कहीं हम लेट ना हो जाए। हम पहुँच चुके हैं तिलक नगर, ये है मार्केट का रास्ता, बट अब हम मार्केट नहीं जा रहे हैं, हम सामने जा रहे हैं रिक्शा के लिए और फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से भी दूर है तो हमें रिक्शा करना पड़ेगा। हम डॉक्टर कत्याल के पास पहुँच चुके हैं और अब जा रहे हैं अंदर। हमने दवाई ले ली है कत्याल अंकल से, तो अब बस हम जा रहे हैं उत्तम नगर, और उत्तम नगर हमें दो छोटे मोटे काम हैं बस, घर का कुछ सामान लेना है, तो अब दिल्ली आए हुए हैं तो वो भी ले लेंगे, तो अब बस यहाँ से बहुत शोर है, रिक्शा करके जाएंगे उत्तम नगर। हमें डॉक्टर अंकल के वहाँ से निकलते ही रिक्शा मिल गया, और दीपू की हालत देखो गर्मी में क्या हो गई है। तो हम आ चुके हैं अब उत्तम नगर, हम आर्यश्वर रोड के बिल्कुल पास में ना मेन रोड पे ही एक दुकान है, इसका नाम मुझे नहीं पता, बट ये साउथ इंडियन है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा साउथ इंडियन खाना मिलता है। बट पता ही अभी रेस्टोरेंट खुला नहीं था, हमने इनकी किचन में से एंटर किया क्योंकि इनकी किचन बाहर की साइड था, अभी उनका सांभर बन रहा है, तो उन्होंने बोला कि हम सांभर सर्व नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी डोसा या ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ नूडल्स मिलेंगे, अगर खाओगे तो आप अंदर आ जाओ। तो हम उनकी किचन से एंटर करके यहाँ पे आए हैं हम नूडल्स खाने सिर्फ, तो यहाँ पे नूडल्स खा लेते फिर आगे देखेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं, हम सुबह घर से कुछ भी नहीं खा के आए थे बस जल्दी जल्दी के चक्कर में, और यहाँ पे अभी कोई है भी नहीं। हाँ, और मम्मी भी हमारी बैठ गई हैं खाने के लिए, मम्मी कह रही मैं तो नहीं खाऊंगी ज़्यादा। सेल्फी लेते हुए लोग यहाँ पे, हमने जैसे बताया था कि हमें सब नूडल्स मिल सकते थे, तो हमने सिंगापुरी ऑर्डर किया, सिंगापुरी नूडल्स, दीपू की चॉइस थी, मैं तो कोई भी खा लेती हूँ, और मम्मी ने कहा था मैं थोड़ा खाऊंगी, और यहाँ पे सॉस और ये पेप्सी के बिना तो कोई जंक फूड अंदर नहीं जाता ना, तो हमने नूडल्स मंगा लिए, अब ये खाते हैं और फिर चलेंगे थोड़ी देर आर्यश्वर रोड मार्केट भी घूमें, थोड़ा सा ऐसे घूम लेंगे, है ना। हमारा पेट भर चुका है, कुछ ज़्यादा खा लिया हम दोनों ने, मम्मी ने बहुत कम खाया है, और अब यहाँ पे हमारी फेवरेट चीज़ आई है, मैं दिखाती हूँ, हमारी फेवरेट चीज़ है, हम सोच रहे हैं प्लानिंग बना रहे हैं। भाभी एक महीने पहले इतना बड़ा पैकेट आई थी, एक किलो का, और वो हमने 10 दिन में खत्म कर दिया, मजा आता है। और अभी दीपू मुझे बोल रही है ये सॉफ्ट देख के कि अगर मिलेगा ना भाभी तो मार्केट से ले लेना, हम ले लेंगे। और अब हम जा रहे हैं मार्केट, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, तो आगे चल के दिखाते हैं। हम आ चुके हैं आर्यश्वर रोड मार्केट, और अब हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कुछ अगर लेना है तो। आर्यश्वर रोड में एंटर करते ही ना ये एंट्रेंस है, और यहाँ से एंटर करते ही देखो ये स्टोर पे सेल है 99 की, और 99 के इस पर कपड़े हैं, कपड़े हैं जींस टॉप कुर्ती वगैरह है 99 की,
तो हम इसमें देखने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी शॉप है और यहाँ पे सब कुछ है सिर्फ 99 में। अब हम ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे हैं, यहाँ पे भी सब 99 का। हम दोनों देखो यहाँ एक साथ ट्रायल रूम में आ गए हैं, बड़ा ट्रायल रूम था। और मैंने एक पेंट ट्राई करी है जो मुझे अच्छी लग रही है, ये 99 वाली शॉप से है। हाँ बट अच्छी लग रही है, बट ये फैब्रिक और क्वालिटी फिट सब अच्छा है इसका 99 के हिसाब से, तो है ना। गाना भी चल रहा था। यहाँ पे दो तीन जीन्स ट्राई की थी बट मुझे अच्छा फिट नहीं आया, मुझे एक फिट इसका अच्छा आया, तो मैंने ये काफी अच्छा फिट आ रहा है इसका, तो मैंने ये वाली ब्लैक ट्राउजर सिलेक्ट की है जो कि काफी अच्छी लग रही है, तो ये लेते हैं। तो यहाँ पे किचन आइटम्स वगैरह सब कुछ है 99 रुपीज़ वाले में से, बट इनका प्राइजेस अलग अलग है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। और बाकी सारे हाँ सारा काफ़ी सही सामान है। और यहाँ पे ये देखो कप लिए हैं हमने, कप भी खाई हमने, ये वाले कप लिए हैं, कौन से हैं? अच्छा ठीक है, दीपू को ये क्लेचर अच्छा लग रहा है, ये 100 के 6 हैं, अच्छा लग रहा है, मजबूत भी है ये, ये 100 का 6, ये 100 का 6 अच्छा है। हाँ यहाँ पे छोटी छोटी स्टेशनरी भी है, ये पॉट देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और ये पता कितने के हैं, सिर्फ 30 रुपीज़ के, ये सब 30 रुपीज़ के, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं मुझे। ये देखो ये भी 30 रुपीज़ का, वेरी नाइस। यहाँ पे टी शर्ट्स भी हैं, ये 150 रुपीज़ की हैं, अच्छी लग रही है ना, अच्छा सब कलर्स हैं, 150 रुपये का। और ये मेरे ब्लॉग में बोली जा रही है, बोली जा रही है। ठीक है, टी शर्ट्स फंकी बट ये कलर्स अच्छे हैं, कलर्स बहुत अच्छे हैं, कलर्स बहुत अच्छे हैं, और मतलब 150 रुपये में तो क्या ही मिलता है ना, अच्छे हैं बहुत अच्छे। हमने अपनी शॉपिंग कर ली है यहाँ से, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कुछ था, बट हमने यहाँ से 2 पैंट कप और ऐसा सब लिया जो कि मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और अब हम जा रहे हैं बाहर वापस, चलो माँ। तो भाभी को लेना था यहाँ से ये वाला शॉर्ट्स और सॉरी डेनिम स्कर्ट, और मैं पीछे भी देख कर आई हूँ बट मुझे मिली नहीं, तो यहाँ पे देखिए तो मैं देख रही हूँ साइज और कलर मांगा है, और देखते हैं फिर अगर मेरे साइज का मिलता है तो मैं एक जरूर लूंगी। और यहाँ पे बहुत बड़ा साइज है, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए का। और देखो यहाँ पे ये जो शॉर्ट कुर्ती है ये है 250 रुपए की, हाँ ये वाली 250 रुपए की शॉर्ट कुर्ती है, और बड़े बड़े साइज है 150 रुपए, ये मम्मी तक के साइज का है, तो आप देख लो कितना बड़ा साइज है। यहाँ मम्मी और दीपू कुर्ते देख रहे हैं, तो यहाँ बेसिकली मम्मी के लिए कुर्ता ले रहे हैं ये लोग, क्योंकि बड़ा साइज हर जगह नहीं मिलता, बट यहाँ पे मिल रहा है, तो देख रहे हैं। एक तो सिलेक्ट हो चुका है जो भैया की वो शोल्डर पे है, और एक और ढूंढ रहे हैं जो भी अच्छा मिलेगा कलर और साइज के हिसाब से। ये ब्लैक उसके साथ जाएगा, और जो इससे पहले लिए वो वाइट के साथ जाएगा, तो बेसिक है, ले लोगे लेना है तो, मतलब ठीक लग रहा है अगर आपको लेना है तो। फैब्रिक भी अच्छा है, आप जब आर्यस मार्ट से एंटर करते हो ना बिल्कुल सीधा आना है, और ये भी शॉप आनंद बर्तन के नाम से शॉप है, उसके नीचे है ये दुकान, काफी अच्छी है। और ये दीपू पता नहीं क्या सुनने में लगी है। यहाँ दीपू अपने लिए जीन्स देख रही है जो कि काफी अच्छी लग रही है, बड़ा साइज हर जगह हमें नहीं मिलता बट यहाँ मिल रहा है। और एक मैंने भी देखी है, वो वाली दिखाइयो मेरे वाली जो मैंने देखी है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है टी शर्ट्स के साथ पहनने के लिए। हाँ ये मैं कल विशाल में भी देख रही थी बट मुझे मिली नहीं थी, यहाँ पे अच्छी लग रही है। दीपू कितने की है बताओ? हाँ सिर्फ और सिर्फ 250, 250 रुपये में, और काफ़ी अच्छी है, बड़े साइज भी हैं भैया के पास, 500 का 2। मम्मी अभी मुझसे पूछ रही है कि तुम लोग मेरी दवाई लेने आए थे कि शॉपिंग करने? खुद की मम्मी कर ली सब, हम खुद भी कर रहे हैं, मम्मी को भी करा रहे हैं। अभी एक हम लोग अब मार्केट से जा रहे हैं अपने दिल्ली वाले घर पे, क्योंकि हम लोगों ने जीन्स वगैरह ली है, तो वहाँ जाके ट्राई कर लेंगे, वॉशरूम यूज़ कर लेंगे, पानी वगैरह पी लेंगे। और ये हमने लिया है सामान जो कि मैं दिल्ली वाले घर जाके दिखाती हूँ आपको। धूप में देखो
चलने के बाद हम रुके हैं अपने स्पॉट पे, गन्ने का जूस। हम सबको ही वैसे गन्ने का जूस काफी पसंद है ना, मुझे भी पसंद है। सही है ना, धूप है, धूप लग रहा है। इतने पसीने पसीने हो गया, इतने पसीने पसीने हो गए हैं हम, तो अभी सोचा जूस पी लेते हैं फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे मेरा जूस आ चुका है, मैं आधा पी भी चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। यहाँ पे दीपू पी रही है और यहाँ पे मम्मी, और ये देखो दीपू फोटो ले लिया है। तो मैं आ गई हूँ अपने दिल्ली वाले घर पे, और यहाँ के हमने पानी वानी पी लिया, फ्रेश हो गए, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आधी थकान ना सिर्फ गर्मी की वजह से हो जाती है। तो अभी मैं आप लोगों को वो कपड़े पहन के दिखाती हूँ जो मैंने यहाँ से लिए हैं, क्योंकि वहां पे कोई ट्राई रूम तो होते नहीं है, तो मैं यहीं पे पहन के फिर चेक कर लूंगी, अगर फिटिंग में कोई भी इशू होगा तो अभी चेंज कराती हुई जाऊंगी। और यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा थकान देखो किसको हो रही है हमारे घर में, हमें ऑफर दे रही है कि आप घर का सामान लेना है आप लोग चले जाओ, मैं यहीं पे सोती हूँ, जब आप लोग सामान ले लोगे ना तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ, अगर आप थके हो तो मुझे भी थकाओगे। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी यहाँ से ब्लॉक करके हमें घर ही जाना, घर ही जाना, सामान लेके तुरंत निकल लेंगे। यहाँ पे आए पानी पीने के लिए थोड़ा सा, और कपड़े ट्राई करने के लिए। हाँ तो बस चलते हैं कपड़े ट्राई करने और दिखाते हैं आपको क्या क्या कपड़े लिए हैं हमने। तेरी हालत से लग तो नहीं रहा, तू उठेगी? पर उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। तो मैंने चेंज करके दिखा रही हूँ, मैं ये वाली जीन्स ली थी मैंने, और मुझे परफेक्ट आई है, एकदम एकदम परफेक्ट है, साइज लेंथ फिट मुझे जैसा चाहिए था ना ये एकदम वैसा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, है ना। और ब्लू कलर की मुझे चाहिए थी तो मुझे मिल गई। मैं अपने दिखाऊं? दीपू की मैं दिखाती हूँ, बहुत फनी लग रही है, मेरी तो आपने देख ली। ये देखो मेरी जींस नहीं, मेरा सलवार है। मम्मी ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, ये हाथी भाई वाली जींस है इसकी। ये इतनी लूज है, इतनी लूज है। हाँ, इसको अब हमें चेंज कराने जाना पड़ेगा। देख लो घर पास होने का फायदा। हाँ, थका देगी ये सच में, और ये ऐसे निकल रही है। हाँ, काफी लूज है ना ये। मेरी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, देखो पॉकेट्स भी बहुत क्यूट है ये, तो मुझे तो मेरी बहुत अच्छी लग रही है फिट। मैं ले लेती, मुझे ऐसे करके चलना। हाँ तेरा भी नहीं मिला। एक जींस तो मैंने आपको उधर स्टोर में ट्राई करके दिखा दी थी, और एक ये वाली ली है, तो मैंने यही दो जींस ली थी, और अब इसकी चेंज कराने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा। और थकोगे, और थकोगे। कपड़े दिखाया जाए भाभी। अब मेरे कपड़े तो नहीं है, बट हाँ मैंने अपनी मम्मी के लिए लिए हैं, क्योंकि एक मिनट में क्लियर कर दूं, भाभी ने लिए थे दो पैंट, जो कि एक पैंट हम आपको ट्रायल रूम में दिखा चुके थे, और दूसरी पैंट अभी दिखा दी है, और एक अब हमने लिया आंटी के लिए कुर्ता, तो वो सबसे पहले दिखाते हैं। हमने ये कुर्ता क्यों लिया है, क्योंकि ये ना हमें बहुत बड़ा साइज मिल गया था, बहुत बड़ा, और मम्मी को साइज मिलने में मुश्किल होता है क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी हेल्दी है, तो हमें साइज मिला तो मैंने ये ले लिया। और ये बहुत सुंदर और सिंपल कुर्ता है, इसको मम्मी ब्लैक प्लाजो या पेंट के साथ स्टाइल कर सकती है। एक और है, मैं दिखाती हूँ। दूसरा कुर्ता है ये कुछ ग्रीन कलर का है, मेहंदी कलर। ये भी, हाँ ये भी बहुत सिंपल है, और इसके साथ भी व्हाइट प्लाजो ब्लैक प्लाजो सब जाएगा, और ये भी काफी बड़ा साइज है। मैंने सिर्फ ये कुर्ते ना, मुझे मम्मी ने बोले नहीं थे ना मुझे लेने थे, ये कुर्ते सिर्फ और सिर्फ साइज की वजह से लिए, क्योंकि बड़े साइज ना बहुत कम और कभी कभी मिलते हैं, और मतलब जिस प्राइस में मिल रहे थे वो प्राइस बहुत अच्छा था, इसलिए उसमें मिलना मुश्किल होता है, और मिलते हैं तो वो फिर टाइट हो जाते हैं धोखे, पर ये प्योर कॉटन है तो मुझे नहीं लगता है टाइट होंगे, ये वो सिकुड़ने वाला कपड़े ही नहीं है। हाँ ये अच्छे। अब दो कुर्ते और लिए जो कि है मदर इन लॉ के लिए, तो मदर इन लॉ तो साथ में थे तो उनके साइज के प्रॉपर हमें मिल गए हैं। देखो ये भी कितना बड़ा साइज है, और ये भी कितना एलिगेंट लग रहा है, और ये भी हमने उस सेम रीजन से लिया है जो आंटी के रीजन से लिया, बड़ा साइज था तो इसलिए ले लिया, और ये भी व्हाइट प्लाजो के साथ पैंट के साथ बहुत सुंदर लगेगा, तो इसीलिए मदर इन लॉ ने ये लिया, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला, और ये बहुत एलिगेंट है ये कलर भी। और दूसरा है यहाँ पे, और ये दूसरा है ये वाला, ये भी देखो कितना प्यारा लग रहा है ना समर के हिसाब से, और ये भी ब्लैक प्लाजो पे जाएगा, ब्लैक प्लाजो पे जाएगा, ब्लैक प्लाजो भी लिया माने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मदर इन लॉ ने लिया है, बहुत प्यारा है ये। और पता है जितने बड़े साइज होते जा रहे हैं ना, उतने मतलब कलर ऑप्शन डिजाइन ऑप्शन ना कम होते जाते हैं। अब हमने मदर इन लॉ के लिए लिया तो अच्छे हमें डिजाइनर कलर मिले, मम्मी के लिए लेने गए तो हमें थोड़ा कम मिला, तो जितना बड़ा साइज उतनी कम वैरायटी, क्योंकि बड़ा साइज इस प्राइस में बहुत कम मिलता है, इसलिए लोग ले लेते हैं पहले, ले लेते हैं जैसे ही आगे ले लेते हैं। और एक और चीज ली थी मदर इन लॉ ने, वो था ये वाला प्लाजो। ये प्लाजो इसलिए लिया क्योंकि दोनों कुर्तों के साथ बहुत प्यारा जाएगा, और साइज हमें बहुत अच्छा मिल गया था तो हमने ले लिया।
ये भी मदर इन लॉ का है। तो बस यही थी आज की हमारी शॉपिंग, अभी कपड़ों की शॉपिंग यही थी, बाकी घर का सामान मसाले वगैरह और जो चीजें हैं वो भी हम हस्ताल रोड जाएंगे। हाँ। हमारे यहाँ पे उत्तम नगर में बहुत फेमस है वो, वहाँ पे राशन बहुत अच्छा मिलता है, तो हम वहीं जाएंगे और वहाँ पे फिर आपको दिखाएंगे, और वो राशन प्लीज हम घर जाके ही दिखाएंगे। दीपू की कृपा से हम दोबारा मार्केट में आ चुके हैं जीन्स चेंज करने और हम बहुत थक गए हैं, सब इसकी वजह से, मारूंगी इसको घर जाके। और अभी भाभी कह रही थी कि अभी मुझे दो तीन गालियाँ दी, दो गालियाँ दो ना, दो ना। नहीं व्लॉग में नहीं दे सकते वो, मैं आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देती हूँ। और मम्मी देखो पीछे, मम्मी भी थक गई है पर क्या करे, चलना पड़ेगा उन्हें भी हमारे साथ। यहाँ पे हम लोगों ने ना जो राशन का थोड़ा बहुत सामान लेना था वो ले लिया, और हमारा थैला बहुत हैवी हो गया, तो अब हम कहीं नहीं जा रहे, अब सीधा हम मेट्रो के लिए निकल रहे हैं, घर जा रहे हैं, और बाकी अब आपको मेट्रो में मिलेंगे। दीपू ने पकड़ रखा भारी वाला थैला, हम 10-10 मिनट में एक्सचेंज करने वाले हैं ताकि दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। हम आ गए हैं, मतलब भाभी और मैं, मोमोज खाने मेट्रो स्टेशन पे। ये रहा हमारा मेट्रो स्टेशन। हमने मार्केट में जींस चेंज करके फटाफट से हमने शनि बाजार में अपना काम भी कंप्लीट कर लिया, अब हम मेट्रो में हैं, तो यहाँ पे हम खा रहे हैं मोमोज। मैंने मार्केट में दीपू को सजेशन दिया था बट इसने नहीं खाए वहाँ पे, तो हम जींस की टेंशन, बाबू भैया जींस की टेंशन कि चेंज होगी कि नहीं। हाँ अब हो गई है लेकिन अब आएगी या नहीं, नहीं आ जाएगी, किसी ना किसी को तो आ ही जाएगी। तो बस अब हम मोमोज खाते हैं, उसके बाद सीधा शायद हम मिलेंगे घर पे। तो फाइनली हमने मोमोज ले लिया, और मैंने ऑर्डर किया पनीर मोमोज जो कि काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, और साथ में फ्रूटी भी है। हम बस यही खाने वाले हैं क्योंकि मम्मी ने इनकार कर दिया कि वो कुछ नहीं खाएंगे, बट हम एक आध तो इसमें से खिला देंगे उन्हें, बाकी वो फ्रूटी ले लिया उन्होंने, और इसके बाद फिर जाएंगे घर, पहले खा लेते हैं, भूख भी लगने लगी है ना, वैसे घर जाके चाय पियेंगे, पर शंकु से ही बनवाएंगे और शंकु को चिढ़ाएंगे, है ना। हाँ याद है मुझे, राइट। मैं पहुंच चुकी हूँ घर और मैं बहुत टायर्ड हूँ, क्योंकि जो भी हमारे साथ हुआ ना, इतना चलना और वो सब, और ऊपर से इतनी गर्मी, मैं बहुत टायर्ड हूँ। ये अब इसके एक्साइटमेंट आ गया, ऐसे हम लोग मर मर के आए हैं ना मेट्रो में और ऑटो में। लिफ्ट ने और ड्रामे कर दिए थे। हाँ लिफ्ट में और खुल गया उधर, एग्जिट नहीं मिल रहा है हमको। मुझे पता आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर कोई बात नहीं, अभी हमारी एनर्जी बहुत गई हुई है। बाकी अभी मैं चाय पी लूँ, थोड़ी देर में आप लोगों से बात करती हूँ। उससे पहले दीपू मुझे इशारे कर रही है, जो दीपू को उधर जीन्स नहीं आई थी ना, हमने चेंज करवाने के बाद ये वाली ली थी, और ये काफी अच्छी आई है, देखो इसका फिट बहुत अच्छा आया है, हाई वेस्टेड जीन्स है, वेरी नाइस दीपू, नहीं जेन्युइनली अच्छी है, बहुत अच्छी है ये, फिट आई है, नाइस। तो मैं आ चुकी हूँ घर वापस और मैं बहुत टायर्ड हूँ, अब बस मैं, मेरी चाय बन चुकी है, चाय पी के मैं तो डिनर नहीं करने वाली और मैं सोऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे और इतना टायर्ड फील हो रहा है गर्मी की वजह से। बट व्लॉग एंड करने से पहले आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना चाहती हूँ मैं। एक मेरे व्लॉग पे 2 दिन से कॉमेंट आ रहा है कि मनीष कहाँ है, तो मनीष दिल्ली में नहीं है, वो आउट ऑफ दिल्ली गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, लाइक फॉर अ वीक और सो, तो वो आते हैं तो फिर मैं आप लोगों से जरूर मिलवाऊंगी। एक तो ये क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन था क्या आप प्रेग्नेंट हो। मेरे हर दूसरे व्लॉग में ये क्वेश्चन आता है, तो मैं आप लोगों को हर इतने बारी का एक ही बार बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।